घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी अरब पतियों पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है। जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की है। एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने फिर एक बार दावा किया है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जून में गिर जाएगी। वे वाशिम में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके पैतृक क्षेत्र कोंकण में तूफान से पेड़ गिर जाते हैं, उसी तरह उद्धव सरकार गिर जाएगी। पुणे के खड़ारी इलाके में बुधवार दोपहर 12 बजे दुकानों में भीषण आग लग गई। आग सबसे पहले एक फर्नीचर की दुकान में लगी थी और इसने कुछ ही देर में एक एक करके 11 अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल दमकल विभाग की 8 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका जो थाने के बाहर ही फट गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2067 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1547 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50 करोड़ 60 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 11.47 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर माफी मांगी है। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर नियमों को नहीं तोड़ा या सांसद को गुमराह नहीं किया था। उन्होंने पूछा कि अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ केक काटना कोई पार्टी है। पिछले सप्ताह जॉनसन पर लॉकडाउन में पार्टी करने के लिए £50 का जुर्माना लगाया गया था। कोरोना संक्रमण से परेशान दिल्ली कैपिटल्स का सामना IPL के 32वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली की टीम में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सोमवार को कराई गई जांच में टीम के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अप्रैल महीने का आखिरी पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर में दस्तक दे चुका है। इसकी वजह से अगले 2 दिन तक पहाड़ों से मैदान तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। लेकिन 22 अप्रैल से राहत का यह दौर खत्म हो जाएगा। फिर तापमान बढ़ना शुरू होगा। वहीं अप्रैल महीने के आखिरी 4-5 दिन में लू चलने लगेगी।